नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुबह 7:10 पर 4.3 तीव्रता वाला भूकंप आया। वाराणसी के एक थाने में सोशल डिस्टेंसिंग भूल एक थानेदार ने मनाया जन्मदिन। 8 जून से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, समित श्रद्धालुओं की ही परमिशन। सोनू सूद के बाद स्वरा भास्कर ने मदद का हाथ बढ़ाया, मजदूरों को घर भेजा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के एक जज कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन। दुबई से 153 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल रात चंडीगढ़ पहुंचा। हरियाणा के सीएम बोले, दिल्ली सरकार से बातचीत के बाद खोले जाएंगे बॉर्डर। दिल्ली के तुगलकाबाद वाल्मीकि बस्ती में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश में कोरोना मरीजों से ठीक होने वाली दर 48% हुई, वही संक्रमण से जान गंवाने वालों की दर 2.82% हुई। सीआईआई के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोनॉमी पर कहा ग्रोथ जरूर लौटेगी। दिल्ली में ट्रेन शुरू हुई तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात, ना ही नाम पता पूछा, बस बॉडी टेम्परेचर देखकर ही मुसाफिरों को दी गई एंट्री। असम के कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से 20 लोगों की मौत व 19 घायल। मनोज तिवारी को नया आदेश, भाजपा ने मनोज तिवारी को दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। गोवा एयरपोर्ट पर दुबई से लौटे यात्रियों का हंगामा, क्वारंटीन सेंटर जाने से किया इनकार। शूटिंग गाइडलाइन बदलने की अपील, IFTDA की मांग, 65 से अधिक उम्र के एक्टर्स को सेट पर आने की मंजूरी मिले। रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर आत्मनिर्भर फोटोशूट शेयर किया और वहीं लोगों से निसर्ग के लिए तैयार रहने को कहा। आदा शर्मा ने रस्सी के सहारे सो कर दिखाया और उन्होंने कहा, ये उनके लिए है जो रात में सोने में कठिनाई होती है। लॉकडाउन में सिर्फ 3 घंटे की शूट हुई अक्षय कुमार की शॉर्ट फिल्म रिलीज, समझाया कि अनलॉक के बाद कैसे काम पर जाना है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वाजिद को साजिद की पत्नी ने अपनी किडनी दी थी, लेकिन ट्रांसप्लांट फेल होने के कारण संक्रमण के शिकार हुए। भारतीय क्रिकेट में ऐतिहासिक बदलाव, यहां खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य हुई आंखों की जांच। हॉकी इंडिया खेल रत्न के लिए महिला टीम ने कप्तान रानी का नाम भेजा। संगकारा ने कहा कि आधुनिक क्रिकेट में विराट रोहित की जोड़ी नंबर 1 है। प्रवासियों को खाना पीना दे रहे हैं मोहम्मद शमी, BCCI ने की तारीफ तो कहा ये हमारा फर्ज है। भारत को सेमीफाइनल में हराना, जिमी निशम ने 2019 के वर्ल्ड कप को बताया यादगार पल। मोहम्मद शमी ने कहा कि बिना लार के भी रिवर्स स्विंग कर सकता हूँ, बशर्ते गेंद की चमक बनी रहे।